ओके, वेलकम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है पढ़ने का, दैट इज सीड एंड टाइप्स ऑफ सीड। सीड के बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं, आज हम देखेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ सीड्स। सो बेसिकली हम बात करें तो दो तरह के सीड्स होते हैं, मोनोकॉट्स और दूसरे डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स जो हैं, दैट इज मतलब नाम से क्लियर है, उसमें एक कॉटिनेडल होगा, और डाइकॉट्स जो हैं उनमें दो कॉटिनेडल होंगे। ठीक है, डाई मतलब दो, मोनो मतलब सिंगल, और मोनोकॉट एंडोस्पर्मिक। ठीक है, आगे इसकी फर्दर टाइप्स है, मोनोकॉट एंडोस्पर्मिक एंड मोनोकॉट नॉन एंडोस्पर्मिक। उसी तरह से डाइकॉट एंडोस्पर्मिक एंड डाइकॉट नॉन एंडोस्पर्मिक। अब एंडोस्पर्मिक मीन्स जिनके अंदर एंडोस्पर्म रहेगा उसको हम बोलेंगे मोनोकॉट एंडोस्पर्मिक, और जिनके अंदर एंडोस्पर्म सारा कंज्यूम हो जाएगा उनको हम बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक है, तो डाइकॉट्स में भी इसी तरह से है, डाइकॉट एंडोस्पर्मिक एंड डाइकॉट नॉन एंडोस्पर्मिक। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं, देखो जैसे मोनोकॉट एंडोस्पर्मिक का हमने एग्जाम्पल दिया, तो इसमें एग्जाम्पल है वीट, राइस, मीज, ऑनियन, और मोनोकॉट नॉन एंडोस्पर्मिक एग्जाम्पल है ऑर्किड्स। डाइकॉट एंडोस्पर्मिक में आता है कैस्टर सीड, और नॉन एंडोस्पर्मिक में आता है पी, ग्राम, बीन एंड सनफ्लावर। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं एक एक करके, और इसके करेक्टरिस्टिक फीचर भी हम देख लेते हैं साथ में। तो सबसे पहले कॉटिनेडल देखो, अगर बेसिकली हम डिफरेंस देखेंगे बिटवीन द कॉटिनेडल्स एंड बिटवीन द एंडोस्पर्म जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो कॉटिनेडल जो है दे आर द प्रोडक्ट ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन, और ये रिजर्व फूड मटीरियल है। ठीक है, रिजर्व फूड मटीरियल है। और एंडोस्पर्म जो है दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द ट्रिपल फ्यूजन, जो हमने पहले पढ़ा है अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा है। तो उसमें देखो एंडोस्पर्म जो है इज द रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, और ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए। जिनके अंदर ये पहले ही कंज्यूम हो जाएगा सारा, वो नॉन एंडोस्पर्मिक है, और जिनके अंदर डिवेलपमेंट के एम्ब्रियो डिवेलपमेंट के बाद भी रहेगा वो एंडोस्पर्मिक है। राइट, अब देखो आगे हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका एक एक करके एग्जाम्पल। जैसे सबसे पहले हमारे पास है अबाउट द मेज ग्रेन। सो मेज ग्रेन इज द एग्जाम्पल ऑफ द मोनोकॉट एंडोस्पर्मिक, और उसी के साथ हम लेंगे जैसे उसके साथ हम लेंगे मोनोकॉट नॉन एंडोस्पर्मिक का एग्जाम्पल। तो दोनों को कंपैरिजन में पढ़ेंगे, इसके जो बेसिक सेम करेक्टरिस्टिक फीचर है वो भी हम एक साथ देखेंगे, और उसके जो कंपैरेटिव फीचर है वो भी हम एक साथ देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, और जो लिखा है इसके बारे में वो सारा यही लिखा है, क्या बोलते हैं इसको, क्या कौन कौन से इसके पार्ट हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेज ग्रेन जो कि मोनोकॉट एंडोस्पर्मिक के अंदर आता है। अब देखिए, इसमें मोनोकॉट मतलब सिंगल कॉटिनेडल, और एंडोस्पर्म मतलब इसके अंदर एंडोस्पर्म है। अब यहाँ पे देखो, सिंगल कॉटिनेडल, सबसे पहले सिंगल कॉटिनेडल की बात कर लेते हैं। तो सिंगल कॉटिनेडल को हम यहाँ पे बोलते हैं स्कुटालम। ठीक है, अब हम मोनोकॉट सिंगल कॉटिनेडल मोनोकॉट एंडोस्पर्मिक की बात करें, चाहे नॉन एंडोस्पर्मिक में बात करें, इसमें सिंगल कॉटिनेडल ही है, और सिंगल कॉटिनेडल को दोनों में हम क्या बोलेंगे, स्कुटालम हम बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसके जो बाहर सबसे बाहर वाली लेयर से स्टार्ट करते हैं, तो बाहर वाली लेयर जो है वो फ्यूज है सीड कोट एंड फ्रूट वॉल, पेरिकार्प इसको बोलेंगे, दोनों जो है वो फ्यूज है। उससे अंदर सेकेंड वाली लेयर चले तो वो है एलुरोन लेयर, वो प्रोटीन की बनी है, प्रोटीन रिच है, प्रोटीन की बनी है, दैट इज एलुरोन लेयर। अब मैक्सिमम एरिया जो है वो कवर करता है इसका एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्मिक सीड है तो मैक्सिमम एरिया इसका कवर करता है एंडोस्पर्म, न्यूट्रिटिव टिश्यू है, और बाकी जो एरिया वन थर्ड जो एरिया है वो कवर करता है इसका ये वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट। ठीक है, अब देखो इसमें इसके अंदर प्लीम्यूल है, फ्लिम्यूल को हम क्या बोलते हैं, शूट, दिस इज द फ्यूचर शूट, यानी कि वो आगे चल के क्या बनाएगी, शूट बनाएगी, स्टेम बनाएगी। और दूसरा रेडिकल है, रेडिकल जो है वो फ्यूचर रूट है, वो आगे चल के रूट बनाएगी। तो फ्लिम्यूल और रेडिकल, ठीक है, ये दोनों किससे कवर हैं, कॉलियोपटाइल से कवर है फ्लिम्यूल, और कॉलियोराइजा से कवर है रेडिकल कवर है कॉलियोराइजा से। ठीक है, तो इनकी कवरिंग के नाम है। तो इसके बीच में जो लेयर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रही है, इस कॉटिलेडल को और एंडोस्पर्म को जो डिवाइड कर रही है, इसको हम बोलेंगे एपिथेलियल लेयर। तो देखते हैं हम इसके बारे में क्या क्या लिखा है। देखो स्ट्रक्चर से आपको जो क्लियर है इसके बारे में वो क्या क्या है, सबसे बाहर वाली लेयर सीड कोट एंड द फ्रूट बॉल, उसके अंदर हम चले तो पेरिकार्प,
उसके अंदर सॉरी सबसे बाहर वाली लेयर सीट कोट एंड फ्रूट वॉल, फ्रूट वॉल को पेरिकार्प बोलते हैं, वो दोनों फ्यूज हैं। उसके अंदर वाली लेयर को हम एलुलोन एल्यूरोन लेयर बोलते हैं, जो कि प्रोटीन रिच है, और जो मैक्सिमम एरिया है दैट इज कवर्ड बाय द एंडोस्पर्म। और जो इसमें सिंगल कॉन्टिनेंटल को हमने क्या स्पेशल टर्म दी है, स्कुटालम, स्कैटालम। उसके अंदर आप आएंगे तो उसके अंदर फ्लिम्यूल, फ्लिम्यूल हम वो है फ्यूचर शूट। आप चाहे जहाँ भी बात करेंगे, जहाँ भी स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो क्या है आपकी फ्यूचर शूट या स्टेम, और इजी लैंग्वेज में आप बोलना चाहो तो स्टेम। और किससे कवर है वो, कॉलियो पटाइल से, पी से पी, कॉलियो पटाइल से, राइट। और रेडिकल जो है, रेडिकल इज द फ्यूचर रूट आर से आर, और वो किससे कवर है, कॉलियो राइजा से। ये टर्म्स हमें याद रखनी पड़ेंगी, तभी हम इसका स्ट्रक्चर जो है वो समझ सकते हैं। अब देखिए इसमें आगे लिखा गया है, दैट इज सिंगल सीडेड फ्रूट इज कॉल्ड कैरियोप्सिस। सिंगल सीडेड फ्रूट को इसमें हम कैरियोप्सिस बोलते हैं। प्रॉक्सिमल एंड जो है, मतलब जो नीचे वाला पार्ट है इसका, ठीक है, वो नैरो है, और जो डिस्टल एंड जो है वो ब्रॉडर है। जैसे ये वाला प्रॉक्सिमल पार्ट हो गया, ये नीचे वाला, ये वाला प्रॉक्सिमल पार्ट है, नैरो है, और जो ऊपर वाला पार्ट, ये वाला, वो ब्रॉडर है, दैट इज डिस्टल पार्ट, ठीक है, ये लिखा हुआ है। आगे हाइलम और माइक्रोपाइल इसमें दोनों एबसेंट हैं। और आउटर हार्ड कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, इज मेड अप ऑफ टेस्टा की फ्यूज और पेरिकार्प, ठीक है, टेस्टा यानी कि, और फ्रूट वॉल पेरिकार्प जिसको बोलते हैं, उन दोनों की फ्यूज। यहाँ पे नाम कुछ और लिखे हैं, डायग्राम में कुछ और लिखे हैं, लेकिन मीनिंग यही है, ठीक है। दिस आउटर लेयर सीड कोट इज मेड अप ऑफ टेस्टा एंड द फ्रूट वॉल जो है वो पेरिकार्प है, इन दोनों की बनी हुई है। अब अगली जो लाइन है वो लिखी हुई है, वन थर्ड जो है वो पार्ट दैट इज कंटेन कंटेन एम्ब्रियो, वाइल मोस्ट ऑफ द एरिया कवर्ड बाय द एंडोस्पर्म। जो एम्ब्रियो है वो नीचे वाला पार्ट, वन थर्ड पार्ट जो है, और मैक्सिमम एरिया किससे कवर है, एंडोस्पर्म से, क्योंकि एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं, तो मैक्सिमम जो है एरिया वो किससे कवर है, एंडोस्पर्म से। एलुरॉन लेयर किसकी बनी है, प्रोटीन की बनी है, और इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल कॉटिलेडन। उसमें सिंगल कॉटिलेडन को हम क्या बोलते हैं, स्पेशल नाम, दैट इज स्कुटालम। एंड ऑफ द एम्ब्रियो एक्सिस टुवार्ड्स द ब्रॉडर साइड की हम बात करें तो वो प्लीम्यूल है, ठीक है, ब्रॉडर साइड जो ऊपर वाला पार्ट है, ब्रॉडर दैट इज प्लीम्यूल है, एंड पॉइंटेड एंड जो है वो नीचे वाला पार्ट, वो रेडिकल है। अब दोनों की कवरिंग, प्लीम्यूल की कवरिंग कॉलीपटाइल और रेडिकल की कवरिंग कॉलीराइजम। और सरफेस ऑफ स्कुटैलम इन कॉन्टेक्ट विद एंडोस्पर्म इज कॉल्ड एपिथीलियल लेयर। और जो कॉन्टिनेंटल का पार्ट जो कि एंडोस्पर्म के साथ कनेक्शन में है, उसको हम बोलेंगे एपिथेलियल लेयर। जैसे ये वाली लेयर है, ठीक है, नीचे स्कुटैलम आ गया, ऊपर एंडोस्पर्म आ गया, तो इन दोनों के बीच में जो बाउंड्री कनेक्शन का काम करेगी, दैट इज एपिथेलियल लेयर। तो ये तो सारा अबाउट द मोनोकॉट एंडोस्पर्म। अब हम साथ में देखते हैं अबाउट द मोनोकॉट नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो इसका एग्जाम्पल है ऑर्किड्स, ठीक है, ऑर्किड। देखो ये जो सीड है वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं, नाम से क्लियर है, मोनोकॉट सिंगल कॉटिनेडल इसके अंदर है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्कुटालम बोल रहे हैं। देखो नाम वही है, कॉलियोपटाइल एंड कॉलियोराइजा। अब पहले वाला याद हो गया तो इसके ऊपर ज्यादा आपको प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, बस इसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं है, ठीक है, यानी न्यूट्रिटिव टिश्यू भी नहीं है इसके अंदर, तो इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल आप बोलो ना के बराबर है, तो ये इसीलिए ज्यादा सीड जो है वो ज्यादा दिन जो है वो टिकते नहीं है। अब देखो ऑर्किड इसमें लिखा क्या है, ऑर्किड सीड लैक ए फूड रिजर्व नहीं है इसके अंदर, इन द फॉर्म एंडोस्पर्म की बात करें और ए लार्ज एम्ब्रियो की बात करें, तो फूड रिजर्व इसके अंदर नहीं है। अब दे इन के इज इन द माइक्रोराइजल रिलेशनशिप दैट हेल्प्स टू फीड इन इमर्जिंग फीड द इमर्जिंग सीडलिंग। अब माइक्रोराइजल रिलेशनशिप यानी फंगस के साथ एसोसिएशन में काम करते हैं, राइट। अब फंगस जो अपने ऑन इट्स ऑन ये अपनी प्रोग्रेस करने के लिए इतने सक्षम नहीं है, तो ये फंगस के साथ रिलेशन बनाएंगे तो उसको वहाँ से खाना मिल जाएगा, प्रोटेक्शन मिल जाएगी, तो ये तब ये इजिली ग्रो कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसी स्पीसीज हैं जो बिना फंगस के ग्रो कर जाती हैं। अब ऑर्किड जो है वो वास्ट नंबर ऑफ सीड, टाइनी सीड्स बनाते हैं, अडेप्टेड टू विंड डिस्पर्सल। अब इनके सीड जो है, जो देखो जो एयर के थ्रू पॉलिनेट होंगे, विंड के थ्रू पॉलिनेट होंगे, उनके पॉलन ग्रेन्स कैसे होंगे, लाइट होंगे, बहुत सारे होंगे, तो वैसे ही सेम फंडा है विद द ऑर्किड के साथ, वही फंडा है, तो ठीक है, वही लिखा है, मेनी ऑर्किड स्पीसीज आर एंडेमिक। अब एंडेमिक क्या होता है, एंडेमिक मतलब जो उसी रीजन में हो, जैसे मान लो ये दिस इज अ मैप ऑफ इंडिया, ये किसी वर्ल्ड का मैप है, तो जो स्पीसीज जो है वो इसी एरिया में होगी, वो कहीं और नहीं आपको देखने को मिलेगी, या इधर होंगी और कहीं वो रह नहीं सकती, आप उसको कहीं और लाके भी रखेंगे तब वो वहां पे ग्रो अडेप्ट नहीं करेंगे। जैसे प्लांट की स्पीसीज है, आप कोई बीज लेके आए यहाँ से यहाँ लेके गए, वो वहां पे नहीं ग्रो कर सकता, वो वहीं पे है। अब वहाँ की ज्योग्राफी ऐसी है, क्लाइमेट ऐसा है, वेदर ऐसा है, वो उसी के लिए अडेप्टेड है, आपको उसको जरा सा भी आप उसको चेंज करोगे तो वहाँ पे ग्रो नहीं करेगा,
तो उन्हीं को हम बोलते हैं एंडेमिक प्लांट स्पीसीज। वैसे एंडेमिक एनिमल स्पीसीज की हम बात करें तो वो एनिमल यहीं पे, उसकी ज्योग्राफी ऐसी है, उसको खाना वहाँ पे ऐसा मिलता है, क्लाइमेट ऐसा मिलता है, वो वहीं पे रह सकता है, वो और कोई नहीं रह सकता, अडेप्ट नहीं कर सकता अपने आप को। जो कुछ एक होती हैं जो हर जगह पाई जाती हैं, जिनको हम कॉस्मोपॉलिटिन बोलते हैं, वो हर टेम्परेचर में हर इसमें अडेप्ट कर जाती हैं, लेकिन जो अडेप्ट नहीं कर सकती उन्हीं को हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। तो दिस आर द ऑर्किड्स हैं ये, ठीक है। उसी तरह से आप आगे देखिए, अब हम आते हैं डाइकॉट एंडोस्पर्मिक एंड डाइकॉट नॉन एंडोस्पर्मिक, इसको हम साथ साथ में पढ़ते हैं। तो डाइकॉट एंडोस्पर्मिक की बात करें, इसका एग्जांपल हमने लिखा है कैस्टर सीड्स। अब देखो डाइकॉट एंडोस्पर्मिक की बात करें, दो कॉटिनेडल इसके अंदर है और एंडोस्पर्म भी इसके अंदर है। तो इसके अंदर एक तो रिजर्व फूड मटेरियल बहुत सारा है, दो कॉटिनेडल इसके अंदर है, और एंडोस्पर्म इसके अंदर न्यूट्रिटिव टिश्यू भी काफी जा रहा है, काफी ज्यादा है। तो कैस्टर सीड्स का एग्जाम्पल आपने कैस्टर ऑयल देखा होगा, तो इसमें काफी ऑयली थिकन जैसा होता है, तो इसके अंदर न्यूट्रिटिव टिश्यू जो होता है वो ज्यादा होता है। एंडोस्पर्म इसका ऑयली सा होता है, ठीक है। तो देखो क्या क्या लिखा है, ये इसकी डायग्राम है। अब डायग्राम से आपको क्या क्या दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं कैरेंकल, ठीक है। ये नया वर्ड यहाँ पे आपके लिए, जो इन दोनों में डिफरेंस है, कैरेंकल जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन में, जब सीड जर्मिनेट करता है तो वाटर एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है। अब देखो, अब यहाँ पे लिखा है इट इज ऑब्लॉन्ग मॉटल्ड ब्राउन एंडोस्पर्मिक एंड डाइकॉटिनेडल सीड, ठीक है। ब्राउन एंडोस्पर्मिक डाइकॉटिनल सीड है, ये करेक्टरिस्टिक फीचर है इसके। अब नैरो एंड जो है, ये वाला नैरो एंड की बात करें, तो ये यहाँ पे बाइलॉब स्ट्रक्चर है, बाइट स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है, जिसको हम कैरेंकल बोलते हैं, ठीक है। बाइलोब्ड है, करेक्टरिस्टिक फीचर आप याद रखेंगे, और व्हाइट स्पॉन्जी है, जो कि किसमें हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में। अब वो थाइलम एंड माइक्रोपाइल पीछे वाले में एब्सेंट थे, थाइलम एंड माइक्रोपाइल इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम कंपैरिजन और डिफरेंसेस भी एक साथ आपको देखने हैं, तभी आपको याद रहेगा, अदरवाइज नहीं। तो वो थाइलम एंड माइक्रोपाइल ऑकर इन दिस एरिया, यहाँ पे हाइलम भी है और माइक्रोपाइल रीजन भी यहाँ पे है। अब रेफे जो है वो इस ये वाला पार्ट जो है वो रेफे है, ठीक है। रेफे डिवेल्व फ्रॉम दिस पार्ट एंड प्रोसीड टुवर्ड्स द ब्रॉडर एंड, ये वाला ब्रॉडर एंड है ना, तो रेफे यहाँ से डिवेल्व होता है और इस साइड को प्रोसीड करता है। अब यहाँ पे आगे जाके ये बाइफरकेट होता जाता है, इस तरह से दो दो में डिवाइड होता जाएगा, बाइफरकेट होता जाएगा। और जो इसकी टस्ता है दैट इज ठीक है, लेकिन ब्रिटल है, आसानी से टूट जाती है, ठीक है, ठीक है, बट ब्रिटल है, जो कि सीड को कवर करती है। और टैगमेन की बात करें तो टैगमेन इसमें जो इस टेस्टा के अंदर वाली है, ठीक है, टैगमेन जो है जो मोनोकॉट में थी उसमें फ्यूज थी, और अंदर वाली एल्यूरॉन लेयर थी। अब इसमें जो टैगमेन है वो थिन है, ठीक है, लाइज बिलो द टेस्टा, और एंडोस्पर्म इसका ऑयली है, और टू लार्ज पाल्मेटी वेन्ड व्हाइटिश कॉटिनेडल प्रेजेंट। दो कॉटिनेडल्स है, लेकिन वो कैसे हैं, लार्ज है, पाल्मेटली है, वेन्ड है, और व्हाइट कलर के जो कॉटिनेडल है इसके अंदर प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखिए, ये वाले जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, दीज आर द, ये वाले जो दिख रहे हैं इस तरह से, ये कॉटिनेडल्स हैं इसके भाई, ठीक है। तो सबसे बाहर वाली लेयर टेस्टा, अंदर वाली टैगमेन, टेस्टा ठीक है बट ब्रिटल है, और एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इसमें क्रैंकल, कैरेंकल प्रेजेंट है, ओके, कैरेंकल इसके अंदर प्रेजेंट, दैट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, दैट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब यहाँ पे, और यहाँ पे हाइलम और माइक्रोपाइल भी यहाँ पे प्रेजेंट है, और रेफे जो है वो यहाँ से ग्रो करेगा और बाइफरकेट हो जाएगा। रेफे की बात करें, यहाँ से ग्रो करेगा और बाइफरकेट हो जाएगा। कॉटिनेडल्स की बात करें तो दो है इसके अंदर। एंडोस्पर्म की बात करें तो वो ऑयली है, और जो हम बात कर रहे थे दैट इज कॉटिनेडल की, तो वो व्हाइट है, वेंड है, पाल व्हाइट व्हाइट कलर के, पाल्मेटली और वेंड है, ठीक है, इस तरह से वो प्रेजेंट है। दोनों ही स्ट्रक्चर ठीक है, आप मतलब ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ एंगल से देखा गया है तो ये इस तरह से दिखता है। तो ये सारी करेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो इसमें प्रेजेंट है, दैट इज इन केस ऑफ डाइकॉट एंडोस्पर्मिक एंड द एग्जांपल आर इज द कैस्टर सीड। अब आगे देखिए, हम लास्ट में लेते हैं डाइकॉट नॉन एंडोस्पर्मिक का एग्जाम्पल। अब देखो इसके अंदर दो कॉटिनेडल्स तो होंगे, जैसे नाम से क्लियर है, और इसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होगा। तो देखो कॉटिनेडल्स इसके अंदर दो हैं, टेस्टा बाहर वाली लेयर जो है वो टेस्टा, और इसके अंदर भी प्लीम्यूल और रेडिकल, और अंदर वाली जो इसकी टैगमेन होगी वो ट्रांसपेरेंट होती है। तो देखो इसमें डिफरेंस देख लेते हैं क्या क्या है। जो सीड जो है वो किडनी शेप का है, अपने पी ग्राम ये बीन जो देखे होंगे, वो सीड जो होते हैं वो किडनी शेप के होते हैं, और इसकी जो कनकेव साइड है, यानी कि इसकी जो डिप्रेशन पार्ट है, डिप्रेशन जो पार्ट है इस डार्कर विद ए व्हाइटिश स्कार, ठीक है, वो डार्कर होगी और एक व्हाइट कलर का स्कार इसके अंदर होगा, उसको हम हाइलम बोलेंगे। फिर
ठीक है, अब माइक्रोपाइल जो है दैट ऑकर्स एट वन एंड ऑफ रैफेल आइस अपोजिट टू इट. अब माइक्रोपाइल जो है दैट ऑकर्स एट वन एंड ऑफ रैफे एंड लाइस अपोजिट. अब डायग्राम में देख लो इसका. देखो ये मगर हाइलम है, ठीक है, दिस रीजन इज, अगर ये हाइलम है बीच में तो इसके अपोजिट साइड माइक्रोपाइल और इसके अपोजिट जो है वो रैफे यहाँ पे लोकेटेड होगा, राइट, यहाँ पे ये लोकेटेड होगा. अब एक और जरूरी चीज हम समझ लेते हैं, टफ सीट कोट इज प्रेजेंट, ठीक है, सीट कोट इज टफ और जो इनर इनर वाली लेयर है वो है ट्रांसपेरेंट, उसमें थी थिन और इसमें है ट्रांसपेरेंट. टू थिक कॉटिलेडन प्रेजेंट है एंड कॉटिलेडन नोड भी प्रेजेंट है. वन एंड ऑफ एम्ब्रियो एक्सिस इज फिल्म्यूल एंड अदर एंड एक्सिस इज रेडिकल और एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल जो है वो प्रेजेंट है. अब यहाँ से हम जरूरी चीज समझ लेते हैं. देखो जैसे मान लो ये कॉटिलेडन नोड है यहाँ पे, ठीक है, कॉटिलेडन नोड, और यहाँ पे प्लिम्यूल पार्ट जहाँ से शूट अराइज होगी और नीचे वाला रेडिकल पार्ट जहाँ से फ्यूचर रूट अराइज होगी. सो द एरिया बिटवीन द कॉटिलेडन नोड एंड द प्लिम्यूल इज नोन एज एपिकोटाइल, इज नोन एज एपिकोटाइल, जो अपर वाला रीजन, ठीक है, किसके बीच में, प्लीम्यूल से नीचे और कॉटिलेडन नोड से ऊपर, दैट इज एपिकोटाइल. और जो कॉटिलेडन नोड के नीचे होगा और रेडिकल से ऊपर होगा उसको हम बोलेंगे हाइपोकोटाइल. तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, सिंपल सी टर्म है, ज्यादा याद करने वाली चीज नहीं है. बीच वाला एरिया अगर आप कॉटिलेडन नोड लेते हैं तो ऊपर वाला मान लो ये प्लीम्यूल है, दैट इज फ्यूचर जो आगे चल के शूट बनाएगा, और नीचे वाला रेडिकल है वो आगे चल के शूट बनाएगा. तो इन दोनों के बीच में एरिया दैट इज एपिकोटाइल बिटवीन द प्लीम्यूल एंड द कॉटिलेडन नोड एंड द रीजन बिटवीन द कॉटिलेडन नोड एंड द रेडिकल दैट इज बिलो द कॉटिलेडन नोड एंड अपर जो अपर इसके पोर्शन पे प्रेजेंट है रेडिकल के उसको हम बोलेंगे हाइपोकोटाइल. ठीक है, इस तरह से आपने याद करना है. डिफरेंस अगर हम देखें तो डिफरेंस नाम से क्लियर है, डाइकॉट जिसके अंदर दो कॉटिलेडन्स हैं, एंडोस्पर्मिक जिसके अंदर एंडोस्पर्म है और नॉन एंडोस्पर्मिक जिसके अंदर एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू नहीं है. अब इसके एग्जांपल आप देखेंगे आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद हो जाएगी. इसमें जो कॉमन स्ट्रक्चर है दोनों में वो है स्कूटैलम होता है, कॉलियोपटाइल और कॉलियोराइजा प्रेजेंट होता है. अब एंडोस्पर्मिक जो है उसके अंदर एंडोस्पर्म है और मैक्सिमम एरिया एंडोस्पर्म कवर करता है, और जो नॉन एंडोस्पर्मिक है उसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं है, जैसे हमने ऑर्किड के एग्जाम्पल में देखा. अब इसमें आगे अब बात करें डाइकॉट एंडोस्पर्मिक की, तो इसमें देखो दो कॉटिलेडन्स भी प्रेजेंट है और एंडोस्पर्म इसका ऑयली है, एंडोस्पर्म भी प्रेजेंट है और ऑयली है, कैरेंकल इसके अंदर स्ट्रक्चर है, रैफे जो है बाइफरकेट हो जाता है, आउटर वाली लेयर दैट इज टेस्टा, अंदर वाली टैगमेन. इसके अंदर भी बात करें तो आउटर वाली टेस्टा एंड अंदर वाली टैगमेन. इसकी टैगमेन जो है वो थिन है और इसकी टैगमेन जो है वो ट्रांसपेरेंट है. इसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं है और इसके अंदर एंडोस्पर्म है, ऑयली है, राइट. और इसके अंदर अब बात करें तो आपने नया जो स्ट्रक्चर पढ़ा कॉटिलेडन नोड प्लीम्यूल रेडिकल हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल, राइट, प्लीम्यूल इसके अंदर भी है और रेडिकल भी है और यहाँ पे हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल जो है वो प्रेजेंट है. ओके, थैंक यू क्लास.